नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरें विस्तार से। भवानी मंडी में यातायात व्यवस्था बाधित हो रही है, ऐसे में शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस की बहुत सख्त जरूरत है। वहीं जगह जगह चौराहे पर नौपत स्थान पर होम गार्ड की भर्ती की गई, जिसमें 15 होम गार्ड के नए जवान लगाए गए जो देर रात को गश्त करते हैं और दिन में ट्रैफिक व्यवस्था की तरफ कोई ध्यान नहीं। ऐसे में हालात जो हैं वह बस से बदतर हो रहे हैं। प्रशासन को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। भवानी मंडी जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जिला झालावाड़ इकाई के तत्वाधान में 12 नवंबर दोपहर 2 बजे भवानी मंडी स्थित श्वेतांबर जैन मंदिर में होने वाले कार्यक्रम में वहां विराजित जैन साध्वी धैर्य निधि जी मासा आदि ठाणा 7 व्याख्यान देंगे। जार मीडिया प्रभारी हेमंत जायसवाल ने बताया कि यह कार्यक्रम जार जिला इकाई की ओर से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जैन साध्वी धैर्य निधि महाराज सा व्याख्यान देंगे। वहीं जार जिला अध्यक्ष भवर सिंह कुशवाहा ने बताया कि पत्रकारिता के विषय में धैर्य निधि महाराज सा श्रेष्ठ जानकारी रखते हैं और उनसे पत्रकारों को कुछ सीखने को मिलेगा तथा उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा, इसलिए जार जिला इकाई की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। डग कस्बे का नाम अपनी कला के माध्यम से विदेशों में रोशन करने वाले डग निवासी अशोक सोनी पिता स्वर्गीय बद्रीलाल सोनी के पौत्र फाइन आर्टिस्ट तपिस सोनी ने दिल्ली की ओर से सऊदी अरब के रिहाद में मोती कला के प्रोजेक्ट तैयार कर थर्माकोल से किंगडम बनाकर अनेक देशों को अपनी ओर आकर्षित कर 45 दिन बाद पुनः अपने गृह निवास पहुँचने पर माँ शारदे सांस्कृतिक मंच एवं ग्राम पंचायत डग स्वर्णकाल समाज ब्रह्म कुमारी दीदी व्यक्ति विशेष द्वारा सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सऊदी अरब के रियाद में वहां की गवर्नमेंट के बुलावे पर दिल्ली की संस्था पर वहां पहुंचे, थर्माकोल से किंगडम का निर्माण किया। आर्टिस्ट तपिस सोनी उज्जैन विवेकानंद कॉलोनी मध्य प्रदेश से एकमात्र फाइन आर्ट छात्र के तौर पर रियाद में पहुँचे थे। तपिस रियलिस्ट एस्पिटेक्ट से चार्ज लेकर रचनात्मक मूर्ति कला में माहिर हैं। फिलहाल वे बड़ौदा यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्व के धनी के प्रथम डग आगमन पर रात्रि 8 बजे माँ डगेश्वरी के पावन धरा मंदिर प्रांगण में सम्मान समारोह हुआ, जहां पूर्व सरपंच रतनलाल राठौर, मोहनलाल सोनी, प्रभुदास वैष्णव, प्रेम प्रेमी प्रिंसिपल राजेंद्र जैन, देवेंद्र जाजू, जनसेवक दिलीप सिंह मंडलोई, कमल सोनी, रामकरण सोनी, वार्डपंच दीपक खटीक, पल्लवी शर्मा, शंकरलाल राठौर, दिनेश मिरोलिया, मान सिंह बना, किशोर राजगुरु के आतिथ्य में समारोह संपन्न हुआ। बता रहे अतिथियों ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना कर निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर होने हम सभी भैया को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हैं कि आगे भी आप इसी प्रकार की आगे उन्नति करते रहे और ये दस क्षेत्र का नाम रोशन करते रहे। खानपुर झोलपा में रसूखदार खाली कर रहे हैं 700 बीघा में फैला तालाब। झोलपा के कुछ दबंग कहते हैं हर साल इस तालाब में अवैध खेती, हर साल करोड़ों रुपए की फसल होती है तालाब की जमीन में तैयार। प्रशासन हर साल जुर्माना वसूलने की कार्रवाई करके मामले की इतिश्री झोलपा ग्राम के रसूखदारों के आगे बेबस है। झालावाड़ जिला प्रशासन की नाक के नीचे 4 पंप लगाकर खाली किया जा रहा है तालाब। तालाब खाली होने से इलाके का भूजल स्तर में हो जाती भारी गिरावट। खानपुर तहसीलदार SDM सब जानकर भी बने हुए अनजान। झालावाड़ जिले के ग्राम पंचायत बांसखेड़ी मेवातियान में मनरेगा में फर्जी मस्तर रोल को निरस्त करने को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी, पंचायत समिति विकास अधिकारी को एवं राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत दी। राजस्थान संपर्क पोर्टल से शिकायतकर्ता को प्राप्ति सूचना में बताया कि शिकायत दर्ज कर जाँच प्रक्रियाधीन है। वहीं विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जाँच में दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामला 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2021 तक नरेगा कार्य में 700 श्रमिकों की मस्तर रोल का सरकारी धन की बंदरबांट का यह खेल खुलेआम मनोर थाना ब्लॉक के ग्राम पंचायत बांसखेड़ी मेवातियान में हुआ है। फर्जीवाड़े का जाल इससे एक कदम आगे भी है। मृतक के नाम पर दिखाए गए काम का भुगतान भी कर दिया जाता है। गड़बड़ी के दायरे में मनोर थाना प्रांत से लेकर ग्राम विकास अधिकारी, रोजगार सहायक, सरपंच प्रतिनिधि सहित अन्य दलाल एवं कमीशन एजेंट भी लिप्त हैं। देखा कि पूरा जो भी जिनके जिस प्रोजेक्ट के नाम पर, जैसे तालाब के नाम पर काम चल रहा है, तो वहाँ पे जैसे भी चला दिया या फिर नहीं चलाया,
तो ये काफ़ी दिनों से मतलब जब से ये सिलसिला शुरू हुआ मतलब करप्शन, तो इसमें मिले हुए लोग तो बहुत सारे लोग हैं, सरपंच है, ग्राम सेवक है, मतलब एज ए मैं नाम नहीं लूँगा, संबंधित अधिकारी जितने भी हैं वो सब इसमें मिले हुए हैं। और उन सब का जब मैंने भी बहुत सी बार इसमें कंप्लेंट डाला है कि ऐसे ऐसे फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नरेगा जो है एज ए एक श्रमिक मजदूर मतलब मानव श्रम का पैसा उसमें होता है, न कि मशीनरी से, तो इसको बदला करके जैसे भी जितना भी हो सकता है मानव के द्वारा काम होना चाहिए और उनको पैसा मिलना चाहिए, न कि कोई पर्टिकुलर दलालों को, या फिर मैं ऐसे किसी का नाम नहीं लूँगा, बट इसमें दलाल जो शब्द बोला है उसमें सब आ जाता है, मतलब कि वो अपने हिसाब से कैसे भी करके इसमें पैसे लूट रहे हैं। और ये तो एक नरेगा प्रोजेक्ट है, ऐसे बहुत सारे जैसे कि इंटरलॉकिंग खुरंजा हो गया, पीएम आवास हो गया, इनमें भी चल रहा है, तो बट वो तो एक इंडिविजुअल हो गया, बट ये जो काम है इसमें एक सामूहिक रूप से मजदूरों के लिए ही गवर्नमेंट ने इसको जारी रखा है कि एक गरीब व्यक्ति तक इसका पैसा पहुंचे। और ऐसे मतलब अभी जो वर्तमान में है 16 से 31 अक्टूबर का जो मिस्टॉल जो चल रहा था, इस मिस्टॉल में 866 के लगभग मजदूर काम कर रहे हैं, बट वो सब फाइलों में काम कर रहे हैं, ज़मीन पे कोई काम नहीं हो, आपने देखा भी अभी। और इसमें अलग अलग नाम से, जैसे कि ग्रेवल नाम से भी है, तो ग्रेवल में भी किशनपुरा से जालपा तक, बांसगढ़ से जालपा तक, ऐसे करके दो ग्रेवल। मंदसौर के पीजी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंदसौर की बैठक हुई आयोजित, जिसमें नवीन कार्यकारिणी का भी हुआ गठन। बैठक में विभाग संगठन मंत्री राहुल चौबे, जिला संयोजक गुरदीप सिंह आंजना द्वारा मंदसौर जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सीतामऊ तहसील के गांव सूटी के दो युवा सक्रिय अभावप्री के कार्यकर्ता को जिला कार्यकारिणी में दायित्व दिया गया, जिसमें सुधी के भास्कर व्यास, रवि को दस पूर्व भाग सहयोग सह संयोजक का दायित्व दिया गया, वहीं सूटी के धर्मपाल सिंह को बंजारी बालाजी भाग संयोजक का दायित्व दिया गया, जिसके बाद से ही दोनों युवा साथियों को सोशल मीडिया पर बधाइयां मिल रही, वहीं सूटी गांव में भी हर्ष का माहौल बना हुआ है। पदाधिकारियों द्वारा जो मुझे दायित्व दिया गया है दसपुर भाग जिला सह संयोजक, मैं अपनी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से इस पर कार्य करूंगा। एबीपी ने मुझे नहीं मेरे संघर्ष को चुना है और मैं सभी पदाधिकारियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। रवि व्यास। भवानी मंडी में बिहार की स्थानीय महिलाओं द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया छठ का पर्व। नगर के आरटीएम मिल के सामने महिला पुरुषों द्वारा जल का एक कुंड बनाकर सूरज को अर्घ समर्पित कर दीप जलाकर पूजा आरती की गई। गौरतलब है कि छठ पूजा के दिन महिलाओं पुरुषों द्वारा प्रातःकाल से ही व्रत रखा जाता है, जिसमें सायकाल के समय सूरज को अर्घ समर्पित कर व्रत पूर्ण किया जाता है। वहीं छठ पूजा के दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुजर भी मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज। नमस्कार। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जिको। के माता दाऊ एक दीर बन जारा रे बन जारा रे रे आ दूर देश रहे मामला अब जाओ साहिब ने महल बनाई बन जा रहा रे बन जा रहा रे हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जा रहा हूँ छोड़
एक मत दाओ, एक नीर बन जा रे बन जा।